ये असल में एक शख्स का प्रोग्राम नहीं है, ना एक चर्च का प्रोग्राम है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने इनिशिएट जरूर किया है, लेकिन ये दिल्ली के सारे चर्चेस का जॉइंट प्रोग्राम है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक एक्यूमेनिकल इवेंट है पूरे इस दिल्ली के लिए। और ये हम कर रहे हैं क्रिसमस के उपलक्ष पर, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक छोटा बच्चा बन के आए, उस उपलक्ष में जब पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है, ये सोचा गया कि दिल्ली में एक अलग सा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें लोगों को शांति का मैसेज मिलना चाहिए, लोगों को पीस का मैसेज मिलना चाहिए, लोगों को खुशी का मैसेज मिलना चाहिए। इसी जो इसका नाम भी रखा गया, इसका नाम रखा है अमन का उत्सव, यानी कि फेस्टिवल ऑफ पीस। और इसमें आप देख ही रहे होंगे के चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से नोट है, दिल्ली डायसिस के आपको मेंबर्स मिल रहे हैं, आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लोग मिलेंगे, जैसे सेंट स्टीवन हॉस्पिटल के आपको क्वायर सामने खड़ी दिख रही है, सेंट थॉमस स्कूल की क्वायर दिख रही है, उसी तरह मेथोडिस्ट चर्च से लोग आए हुए हैं, कैथलिक चर्च से लोग हैं, मार्थोमा चर्च से हैं, मेलंकारा चर्च से हैं, साल्वेशन आर्मी का एक बड़ा टीम और उनके जो चीफ हैं वो खुद यहाँ आए हुए साथ। तो ये सारे चर्चेस मिल के ये सोचा गया कि दिल्ली में आके दिल्ली के लोगों को मैसेज ऑफ लव, पीस एंड जॉय जो है वो आज के इस क्रिसमस के उपलक्ष पे दिया जाए। ये दिल्ली में पहला प्रोग्राम है? ये पहला प्रोग्राम नहीं है, ये चौथी बार हो रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि फेल ही नया प्रोग्राम है, लेकिन चौथी बार हो रहा। और इसका जो मकसद है, जैसे मैं पहले बता रहा था, मकसद यह है कि जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पे आए, उनके प्यार की बात लोगों तक पहुँचाने की है। आज आप देखिए कि जगह जगह लोगों में तफरके हैं, लोगों में विद्वते हैं, अनरेस्ट है, अमन नहीं है, चैन नहीं है, जिंदगियों जो हैं उथल पुथल हुई हैं। उस समय पे प्रभु पिता परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के अमन का सुनेहा जो देना, वो किसी जाति की बात नहीं है, किसी धर्म की बात नहीं है, किसी रीजन की बात नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, दुनिया में क्या होल क्रिएशन के लिए है। और इसलिए ये जो प्रोग्राम भी है, ये आप देख ही रहे हैं कि ये प्रोग्राम एक चर्च का नाम मान के इनको दिल्ली के सारे चर्चेस का एक जॉइंट प्रोग्राम है, इसलिए इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सब लोग खुद आते हैं और खुद ही इसका पार्ट बनते हैं। आप ये जो जितनी ऑडियंस देख रहे हैं, दिल्ली के सब लोग आए हुए हैं, और इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड भेजने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये तो खुदा का अपना प्रोग्राम है, लोगों के लिए अमन का, शांति का और चैन का सुनेहा लाने वाला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में लोग खुद ब खुद आते हैं। सर, ये दिल्ली के लोग हैं या बाहर के भी आए हुए हैं? ये दिल्ली के ही लोग हैं, बाहर से लोग नहीं माने गए। क्वायर्स भी दिल्ली के हैं, लेकिन दिल्ली के अलग अलग चर्चेस हैं, वो लोग भी दिल्ली के हैं। लेकिन इसके टाइम जो खास हम बात करते हैं कि हम अपने इस समय ये मौका होता है कि हम अपने राष्ट्रपति जी के लिए दुआ करते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी के लिए दुआ करते हैं, उनकी सारी कैबिनेट के लिए दुआ करते हैं, सारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए दुआ करते हैं, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसके लिए दुआ करते हैं, अपने डिफेंस फोर्सेस की उनके अच्छे काम के लिए दुआ करते हैं, अपनी जुडिशरी के लिए दुआ करते हैं, ताकि इस देश में अमन रहे, चैन रहे, और जिनको लोग चुनते हैं वो लीडर बहुत अच्छे से इस देश को आगे ले जाने का काम करें। ऐसे में थैंक यू।